हमारी अम्मी अच्छी खासी मुनासिब खातून है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो आपको क्या लग रहा था? नास खाला की बातें। तो अब्बा, उनकी तो बात ही मत करें, उनके हिसाब से तो मैं भी किसी फिल्म की विलन हूँ। लेकिन पता है, बहुत गलत बयानी करती हैं वो। तौबा। हाँ तो शादी करना अपनी पसंद की, कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है जितना उन्होंने मेरी माँ के लिए बना दिया था। समझ में नहीं आता ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। हाँ मरियम, हाँ कैसी हो? चलो चलो ठीक है, कल सुबह बात करते हैं। ये मरियम कौन है? दोस्त है। अच्छा सुने ना, वो आपके घर के पास एक आइसक्रीम पार्लर है, वहां से आइसक्रीम तो खिला रहे, बहुत दिल चाह रहा है। कहीं और चले? क्यों डर रहे हैं, कोई देख लेगा? डरता नहीं हूँ किसी से मैं, एक्चुअली वहां आइसक्रीम खा खा के बोर हो गया हूँ यार। जलील आपकी कॉफी। शुक्र है सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात का? क्यानिया की शादी रोहिल से नहीं, अमात से हुई है। भूल जाओ रोहिल को, उसका नाम भी अब मत लेना मेरे सामने। सब एक डरावना ख्वाब सा लग रहा है। जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही होना था, उसके नसीब वही लिखे थे। लेकिन मैं आपकी भांजी को माफ कभी नहीं करूंगी। दर बदर की ठोकरें खाएगी वो अपनी माँ की तरह। खैर, ये बहुत ही दिल दुखा देने वाले मौसम है। तुम जाके अपनी बहू को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो बहू वाली हो गई। जाके देखती हूँ रुसा को किसी चीज की जरूरत ना हो।